एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगेन मीशो हॉल होने वाला है। एंड आज के मीशो हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल से डिजाइनर आउटफिट्स, जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। एंड जिन्हें पता नहीं है मीशो क्या है, या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मीशो यूज आता है। एंड मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ, सब ये कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लैट 30% या 40% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल में चल रहा है गिव अवे, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैंने पिक किया है, वो है ये वाला आउटफिट। साइड में इमेज लगवा दूंगी। इसका कोड आपने ही मुझे दिया था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस आउटफिट की, तो डेफिनेटली मैंने सोचा इसको परचेज करके देखती हूँ निकलता है कैसा है। बिकॉज ना, देखने में तो इतना खूबसूरत लग रहा था ये, तो मैंने इसमें मैंने इसको परचेज किया। एंड देखते हैं निकला कैसा है। लुक एट दिस, इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा। आप देखो, वो कुर्ता जो है पिक्चर में फ्रंट कट है, सेम आपको फ्रंट कट कुर्ती मिल जाएगी। पूरे पे स्टार स्टार वाला काम किया गया है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये पूरा इन्होंने देख लो जरी का गोल्डन काम किया हुआ है। इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगी, 3/4 इसमें स्लीव्स है, 3/4 नहीं है, फुल ही है। हाँ, फुल स्लीव्स है, जितना मतलब इमेज में दे रखा था उतनी स्लीव्स है। स्लीव्स के आगे इस तरीके की डिटेलिंग की गई है। एंड पूरा जो कुर्ता है वो जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिलेगा, फुल लेंथ में मिल जाएगा। यहाँ पे आप वेस्ट पे देखो, इस तरीके की यहाँ पे ऐसे चुन्नट चुन्नट टाइप मतलब वो किया हुआ है। एंड यहाँ पे गैदरिंग टाइप है कुछ, यहाँ पे वेस्ट पे आएगा। एंड ये फ्रंट कट में आपको कुर्ती मिलेगी फुल लेंथ में। तो इस तरीके की कुर्ती है, अंदर इन्होंने लाइनिंग वगैरह दी हुई है, क्वालिटी अच्छी है, जॉर्जेट फैब्रिक है। प्लस अभी क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला आउटफिट, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। और इसमें मैंने स्मॉल साइज परचेज किया है, स्मॉल मेरे आराम से आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना, जो भी साइज आप, सारे साइज मीशो पे अवेलेबल है। तो इस तरीके की आपको इसमें कुर्ती मिल जाएगी। और पैंट के लिए इन्होंने अलग से, एक सेकेंड, हाँ, इसके नीचे अलग से इन्होंने स्ट्रेट पैंट दी हुई है। ये आपको रेयन फैब्रिक में इलास्टिक वाली पैंट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। बिल्कुल सिगरेट पैंट है, इस तरीके की प्लेन है, रेयन फैब्रिक है, बस नीचे की साइड इस तरीके की वही स्लीव्स वाली डिटेलिंग इन्होंने की हुई है, जो कि आपके नीचे की साइड आएगी। तो इस तरीके की इन्होंने ये वाली पैंट दी है, क्वालिटी अच्छी है सूट की, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, इन अफोर्डेबल प्राइस है। तो ये था फर्स्ट आउटफिट जो मैंने मीशो से आपकी बार पिक किया है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। हाँ, कई लोग मुझसे पूछेंगे, दी आपने ये साड़ी कहाँ से परचेज किया है, ये ब्लाउज कहाँ से लिया है? तो ब्लाउज तो मैंने लिया है, बिल्कुल प्लेन ब्लाउज है, ये मैंने परचेज किया है, एक इंस्टाग्राम स्टोर है वहां से, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, देखते ही मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, तो इसकी भी ऑलरेडी मैंने हॉल वीडियो किया हुआ है। ये मैंने मीशो से परचेज की थी, इन अफोर्डेबल प्राइस में है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ट्राई करूंगी साइड में क्लिप लगाने का कि फुल में ये साड़ी कैसी लगती है। तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिलेगी, परचेज करना चाहो डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है, वो है इस तरीके का स्कर्ट, क्रॉप टॉप और जैकेट। स्कर्ट बोल लो, लहंगा बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि काफी टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि दी ऐसे लहंगे लेके आओ जो श्रग वाले हों, जैकेट वाले हों। तो मुझे मीशो पे ये मिला, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफी वर्थ इट लगा, इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी थी, तो मैंने सोचा परचेज करते हैं। प्लस कलर कॉम्बिनेशन काफी ब्यूटीफुल था, ब्लू एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉप टॉप बताती हूँ। इस तरीके का फुल जरी के काम का इसमें क्रॉप टॉप दिया गया है, स्लीवलेस है। यहाँ पे आप देखो, बैक में इलास्टिक दिया हुआ है, जिससे क्रॉप टॉप आपके अच्छे से आ जाएगा। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है, एक मिनट, इसमें मैंने मीडियम साइज परचेज किया था और मुझे मिला कौन सा है, एल साइज मिला है। तो ऑब्वियसली ये मेरे बहुत ज़्यादा लूज रहेगा, शायद इसमें स्मॉल अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने मीडियम परचेज किया था। अब ये रेयन का फैब्रिक है, मुझे इसे एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला जरी का काम देखने को मिलेगा, नीचे इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा। ये फुल है ना, प्लास्टिक मिरर फॉइल वाले इन्होंने लगवाए हुए हैं, जो कि आपके वेस्ट पे आएंगे। ये इसके क्रॉप टॉप है, जो कि क्वालिटी अच्छी है, अगर मुझे अपना साइज नहीं मिला तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये थी क्रॉप टॉप। नीचे की साइड आपको इसमें
स्कर्ट देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल प्लेन स्कर्ट है, तो आप इसे किसी और ड्रेस के साथ भी और कुर्ते के साथ भी, किसी भी और क्रॉप टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो, पेयर अप कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी मुझे। इलास्टिक वाली है, रेयन फैब्रिक है, फ्लेयर काफी अच्छा है एंड बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत कंफर्टेबल है। समर्स आ रही है उस अकॉर्डिंग काफी ठंडा रहेगा, तो ये आएगी इसके साथ स्कर्ट एंड श्रग के लिए इन्होंने इस तरीके का इसमें श्रग दिया हुआ है। फुल लेंथ में आपको रेयन फैब्रिक का श्रग मिल जाएगा, ओपन है ये वाला शर्ट, फ्रंट से ओपन होता है, यहाँ पे बस आपको इस तरीके का टक करने के लिए बटन दिया है, शोपीस है ये, और यहाँ से खुलता भी है, अच्छा सा बटन है, स्टोन लगाया हुआ है। नेवी ब्लू कलर का मिलेगा, राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है, पूरे पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है, फुल लेंथ में है, तो बहुत अच्छा लगा। चाहो तो एज ए क्रॉप टॉप और ऑनली स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो, चाहो तो श्रग के साथ कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफी ब्यूटीफुल लगा। तो नेक्स्ट आउटफिट था जो मैंने ये वाला पिक किया है, जो हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाली साड़ी, एंड ये भी साड़ी मेरी मॉम को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने ये वाली साड़ी परचेज करके देखी निकलती कैसी है, ये काफी अच्छी सी साड़ी है। लुक एट दिस साड़ी, जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, मतलब फुल ट्रेडिशनल साड़ी है, ये नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा पार्टी वेयर है, उस अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई साड़ी है ट्रेडिशनल, तो उस अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी है, एंड बिल्कुल आपको इस तरीके की जॉर्जेट की साड़ी देखने को मिल जाएगी, पूरे पे आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा, बस इन्होंने साइड में ये वाला गोटे पत्ती का बॉर्डर दिया हुआ है जो कि काफी ब्यूटीफुल लगा। इस वाली साड़ी को आप पेयर अप करना ग्रीन ब्लाउज के साथ, बहुत अच्छा लुक आएगा, ये आपको येलो और रेड, पिंक, हाँ पिंक रेड येलो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी ये वाली साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, मेरी मॉम को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी इसलिए मैंने परचेज की। फुल ट्रेडिशनल लुक चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरीके की साड़ी अच्छी लगती है, गोटा पत्ती साड़ी काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है और कभी भी फैशन भी आउट नहीं होता। पार्टी वेयर साड़ी का क्या होता है, एक दो बार पहनो और फिर उसके बाद आप नहीं पहन सकते हो, वो चीज नहीं है, तो ये पूरे ऑल ओवर चलती है, तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी। ये इन्होंने इसका आंचल दिया हुआ है, आप एक बार वर्क देख लो, एम्ब्रॉयडरी और गोटे पत्ती का काम है, एंड पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके की प्लेन साड़ी मिल जाएगी, बस नीचे की साइड इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, और प्लेन साड़ी हो बॉर्डर हो वही ज्यादा स्मार्ट भी लगती है, तो आप इसे डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर अप कर सकते हैं। पूरी साड़ी पे आपको बस नीचे की साइड ये वाली लेस देखने को मिलेगी, एंड इसमें जो ब्लाउज आया है वो है ये ऑरेंज कलर का, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तो अगर आप ये वाली साड़ी लेते हो तो आप इसे ग्रीन ब्लाउज के साथ पेयर अप करना, बहुत अच्छा लुक आएगा, कोई ग्रीन ब्लाउज हो डिजाइनर उसके साथ पेयर अप करना बहुत अमेजिंग सा लुक आएगा। लेकिन अगर आप इसे स्टिच करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ये आपको 80 या 90 सेंटीमीटर का इसमें अटैच कपड़ा मिल जाएगा जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके की ये साड़ी है, फैब्रिक अच्छा है, 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी है, वर्थ इट है। तो ये थी नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने मीशो से पिक किया है। अब जो लास्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाला सूट, मैं काफी टाइम से सोच रही थी ये वाला सूट परचेज करने की पिंक कलर का, बट इसमें मुझे मेरा साइज नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब मैंने इसकी प्राइस देखी और इस सूट को देखा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा सूट मिल रहा है, तो मैंने ये वाला सूट परचेज किया, पर ये मेरे मीडियम है, मतलब मैंने एम साइज में परचेज किया और मुझे खोल लिया था मैंने इसे, एक दो दिन पहले ही ओपन कर लिया था, तो देखा ये मेरे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, या तो मुझे इसे ऑल्टर करवाना पड़ेगा या फिर मुझे इसे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके का आपको बहुत ही सुंदर सा रेयन फैब्रिक में सूट मिल जाएगा, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की रही है, जिन्हें एलिगेंट सूट पहनना पसंद है वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के सूट किसी भी पार्टी फंक्शन में अच्छे लगते हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो लेडीज हो उस अकॉर्डिंग भी काफी अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको इस तरीके की नेक देखने को मिल जाएगी और ये पूरा ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है थ्रेड से, थोड़ा थोड़ा शाइनी वाला फैब्रिक है, मतलब पूरा फोकस है जो थ्रेड यहाँ पे नेक पे किया हुआ है ऊपर की साइड, एंड 3/4 इसमें स्लीव्स मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली वर्थ इट है ये वाला सूट, एंड फुल फ्लेयर में आपको ये वाला सूट मिल जाएगा। लुक एट दिस, इस तरीके का फ्लेयर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी नीचे की साइड भी एम्ब्रॉयडरी की रही है थ्रेड वाली, आपको कैमरे में मे भी कैप्चर हो रहा हो अच्छे से, ये इन्होंने यहाँ पे थोड़े थोड़े चुन्नटे टाइप दिया हुआ है, गैदरिंग की हुई है, तो इस तरीके की आपको ये वाला सूट मिलेगा। बैक साइड बिल्कुल इन्होंने प्लेन दिया है, रेयन फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो यही था बेबी पिंक कलर का, इसमें आपको कुर्ता मिल जाएगा और प्लस इसके नीचे इस तरीके की पैंट, उसमें तो था पैंट ही हुई है मतलब, पर ये थोड़ा सिगरेट पैंट टाइप में नहीं है,
थोड़ी सी ये लूज आएगी, लाइक प्लाजो भी नहीं बोल सकते, तो उस तरीके की आपको है, ज्यादा ब्रॉड नहीं मिलेगी, ज्यादा वैसी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की है, नीचे की साइड आप देख सकते हो इसमें थ्रेड का काम किया हुआ है, बॉर्डर काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। एंड ये पूरी रेयॉन में आपको मिल जाएगी, इलास्टिक वाली है जो कि काफी अच्छी रहेगी, पहनने के बाद कंफर्टेबल रहेगी। एंड समर्स अभी स्टार्ट हो रही है, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा सूट है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। शायद 600-700 के अराउंड है, उस अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मार्केट में आप लेने जाते हो तो मिलता भी नहीं है, इतने में एक टॉप भी नहीं आती है अच्छी सी, तो उस अकॉर्डिंग काफी ब्यूटीफुल लगा मुझे ये वाला सूट, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो ये था नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने मीशो से अबकी बार पिक किया है। तो गाइज, आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा, और अगर कलेक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फिर आपसे वीडियो मिस हो जाती है और आप मेरी वीडियो देख नहीं पाते हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।